खबर यूपी के चंदौली से, जहां थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर मशीन खरीद में की गई गड़बड़ी के विरोध में सैयद राजा के पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्ल्यू ने 10 लोगों के साथ 2 गज दूरी का ध्यान रखते हुए गुरुवार 30 जुलाई को ब्लॉक कार्यालय पर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने थर्मल स्कैनर खरीद में अनियमितता की निष्पक्ष जांच की मांग की और उन्होंने बताया कि जब तक मुझे सक्षम अधिकारी द्वारा थर्मल स्कैनर व ऑक्सीमीटर के खरीद का ब्यौरा नहीं देता, तब तक मैं धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाला। और पूर्व विधायक ने कहा कि हर रोज प्रदर्शन करने वालों की संख्या लगातार हर दिन 10 गुनी होती रहेगी। पूर्व विधायक ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठा हूं। वर्तमान विधायक को भी धरने में शामिल होना चाहिए। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर भी धरने में शामिल रहे। और बौखलाहट में उल जलूल बातें निकलती है और उनकी बात करने लायक नहीं है, क्योंकि जानते हैं उनका बैकग्राउंड ही अलग है, वैसे ही बोलते हैं। उनके साथ हम लोग को अपना जवान खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। और रह गई सवाल यह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैठे हैं, मैं तो कहूंगा कि उनको भी आकर मेरे साथ इस धरने पर बैठना चाहिए, क्योंकि जनता उनको वोट देकर विधायक बनाई है इसी उम्मीद के लिए कि हमारे दुख और सुख में वो साथ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बाहर के रहने वाले हैं, उनको बरहनी और थानापुर से और चंदौली से कुछ लेना देना तो है नहीं। उनको दर्द नहीं है अपनेपन का। अगर दर्द होता तो शायद इस भ्रष्टाचार के खेल में वो उसके खिलाफ रहते, न कि उसके समर्थन में आते। वो भ्रष्टाचार के समर्थन में आने से मुझे अब ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। वो ठेकेदारी भी करते हैं, रोड का भी काम करते हैं, कोयला का भी काम करते हैं, वह रेलवे का भी काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना का भी सामान बेचने लगे और चाइना का सामान मंगाकर यह सप्लाई भी कहीं उनकी ही कंपनी तो नहीं की है। यह जांच का विषय है। अगर सौ आदमी रहेंगे तो कोई भी समाज जाएगा, और 2000 रहेंगे तो 30 जगह मिलेगा। चंदौली सैयद राजा से राजू खान की रिपोर्ट।